the proportion of the expenditure on the various items by the two families A and B are represented in the following bar chart. तो bar chart में 50 देखिए, family A, ये family A, family B है. Family A की total expenditure कितना है? 20,000 per month है. इनका family B का expenditure है 1 lakh per month. तो यहाँ पर food पे 50% कर रहे हैं, ये food पे 10%, और ये जो है वो कितना 60% अदर आइटम्स पे, 30% एजुकेशन पे. तो फ्रॉम द वी कैन कंक्लूड, तो यहाँ अगर यहाँ देंगे फैमिली ए स्पेंड मोर मनी फूड, यहाँ भी फूड की बात करिए, फूड यहाँ कह रहे हैं, यहाँ भी फूड और यहाँ भी, तो मस्त का मतलब इन्होंने फूड के बारे में बात की है. तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखें फूड का अगर कंपेरिजन करें, तो फैमिली ए, ए फैमिली की अगर हम बात करें, तो ए फैमिली ने कितना खर्च किया? 50% ऑफ क्या है, ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 20,000. तो 20,000 के 50% निकालेंगे कितना हो जाएगा? 10,000 रुपीज हो जाएगा आपका, है ना. और अगर बी फैमिली की अगर हम यहाँ बात करें, तो बी फैमिली कितना हो जाएगा? बी फैमिली 10% ऑफ 1 लाख. तो 10% ऑफ 1 लाख अगर आप निकालेंगे, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए बी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000 रुपीज. इसका मतलब फूड पर दोनों फैमिली का सेम एक्सपेंडिचर उनका, द फैमिली देखिए क्या है यहाँ पर, दोनों का सेम है. तो सेम वाला कौन सा है? अगर आप देखें मोर फैमिली बी सेम अमाउंट ऑफ द फूड, फैमिली ए एंड फैमिली बी स्पेंड सेम अमाउंट ऑफ फूड. तो ये आपका